विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सोमवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सिविल कोर्ट परिसर में वृक्षारोपण एवं जागरूकता कार्यक्रम किया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय अरविंद कुमार पांडे एवं सभी न्यायिक पदाधिकारियों के कर कमलों द्वारा व्यवहार न्यायालय प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्रीमती मिश्रा ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण करना हम सभी लोगों का परम दायित्व है। पर्यावरण को संरक्षित रखने के लिए हम सभी को अधिक से अधिक संख्या में पेड़ पौधों को लगाना चाहिए, साथ ही साथ वनों की अनावश्यक कटाई नहीं करनी चाहिए। इसके परिणाम स्वरूप ग्लोबल वार्मिंग का खतरा पूरी पृथ्वी के ऊपर मंडरा रहा है एवं लगातार धरती के तापमान में वृद्धि हो रही है। प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब अरविंद कुमार पांडे ने कहा कि पर्यावरण की सुरक्षा करने से ही हम सभी सुरक्षित रह सकते हैं। आज वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण इत्यादि विभिन्न प्रकार के प्रदूषण से हमारी धरती आहत हो रही है। मौके पर जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे, यशवंत प्रकाश, आनंद प्रकाश, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सौरभ कुमार समेत सभी न्यायिक अधिकारी व अन्य कर्मी मौजूद थे। जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस हम सिविल कोर्ट गैलरी परिसर में मना रहे हैं। इस मौके पे हमारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदया, कम चेयरमैन DLSA, प्रिंसिपल जज फैमिली कोर्ट श्री अरविंद कुमार पांडे साहब, ADJ वन साहब और बाकी जितने न्यायिक पदाधिकारी हैं सिविल कोर्ट में कार्यरत तथा जितने स्टाफ हैं, अधिवक्तागण हैं, वो सारे उपस्थित होकर आज इस कार्यक्रम में उन्होंने शिरकत किया है और फलदायी जितने पेड़ हैं उनका रोपण किया गया है। और आम जनमानस को यही संदेश है कि पर्यावरण को हमें बचाए रखना है, क्योंकि पर्यावरण है तभी हम हैं, उसके बिना हमारा आधार नहीं है बिल्कुल भी। और जैसा कि हर साल की भांति एक थीम होता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का, तो इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे का जो थीम है वो है प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकना। तो मेरी समझ से केवल प्लास्टिक पोल्यूशन को ही नहीं हमें कंट्रोल करना है, बल्कि हमको पर्यावरण को बचाने में जितनी तरह का प्रदूषण फैल रहा है उसके ऊपर कंट्रोल करना है, रेगुलेट करना है, क्योंकि पर्यावरण है तो हम जीवित हैं। हमारी जो भी संरचना हुई है पर्यावरण के कारण ही हुई है, अगर इसे सुरक्षित नहीं रखें तो आने वाले भविष्य के लिए एक बहुत ही चिंता की बात होगी। और जो भी हमारे एनवायरनमेंट को लेकर के जो भी लॉज हैं, एयर एक्ट, वाटर एक्ट, जो भी एक्ट हैं इससे संबंधित, उन कानूनों का हमें पालन करना है और ध्यान में रखना है कि उनका कोई वॉयलेशन ना हो। तो इसी के साथ मैं धन्यवाद दूंगा और बाकी लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि वो भी एनवायरनमेंट डे के दिन ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करें और वृक्ष को कटने से बचाएं। धन्यवाद। महानगरों के शिक्षा का स्तर अब गिरिडीह में भी। जी हां, कोट रोड के मंगलम मॉल में स्थित विक्रमादित्य क्लासेस में IIT मेडिकल MPSC ओलंपियाड की परीक्षा के लिए IIT व LN कोटा से आई टॉप ग्रेड फैकल्टी के द्वारा उच्च स्तरीय तैयारी करवाई जाती है। यहां स्टैंडर्ड 8 से स्टैंडर्ड 12 के छात्रों के लिए विशेष कोचिंग की व्यवस्था है। यहां छात्रों को फाउंडेशन कोर्स करवाया जाता है। जब घर में इतनी सुविधा है तो बाहर क्यों जाना। इस कोचिंग में पढ़ने का शानदार कॉम्पिटिटिव माहौल है। यहाँ छात्रों को सेल्फ कॉन्फिडेंस विकसित करने के लिए क्लासेस दी जाती है। यहाँ हर संडे छात्रों का टेस्ट लिया जाता है, यानी कि यहाँ छात्रों को बहुत ही मेहनत से तराशा जाता है ताकि छात्र जीवन में बहुत ही बेहतर लक्ष्य को हासिल कर सके। तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाए। अधिक जानकारी के लिए मिले या कॉल करे। पता नोट कर ले, विक्रमादित्य क्लासेस, मंगलम मॉल, सेकंड फ्लोर, कोट रोड, जिला परिषद के सामने और पचम्बा रोड, मारुति शोरूम के सामने, बोड़ो, गिरिडीह।